आज के इस वीडियो में देखिए मेकअप करने से पहले अपने स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाए ताकि उस मेकअप का आपको बेस्ट रिजल्ट मिले. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योर सेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे. आई थिंक सो. और आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है, क्योंकि आपके इतने सारे जब कमेंट्स आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच, इतना प्यार करते हैं आप लोग. सब मुझे कहते हैं कि मेकअप की डिफरेंट आपके साथ स्टाइल्स में शेयर करूं, तरीके शेयर करूं, ट्यूटोरियल्स बनाऊं. लेकिन मुझे लगता है मेकअप मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी. जैसे इस वक्त मैंने न्यूड मेकअप किया हुआ है, जीरो मेकअप, तो अगर ये अच्छा लगे तो बताइएगा, शेयर जरूर करूंगी. लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगता था आज की करनी चाहिए थी, जो कि मेकअप लगाने से पहले हमें अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाए ताकि हमारी स्किन उस मेकअप का बेस्ट रिजल्ट दे हमें. क्योंकि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, समटाइम्स महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं और फिर हम उसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम जो ये गलती करते हैं कि अपनी स्किन को तैयार नहीं करते हैं उस मेकअप के लिए. तो आज मैं आपके साथ वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं करती हूँ मेकअप करने से पहले, तो मेरी स्किन ग्लो करती है, उस मेकअप का बहुत बेस्ट रिजल्ट मुझे मिलता है. तो आप देखें ना, जब हम पेंट करवाते हैं अपने घर को, तो जो पेंटर आता है वो भी पहले दीवार को ठीक करता है, सैंड पेपर से वो पूरा इवन करता है, उसके बाद प्राइमर लगाता है, फिर जाके वो पेंट करता है. और जब दीवार अच्छी पेंट हो जाती है तो ज़ाहिर है उस पर फिर हर पेंटिंग हर चीज़ अच्छी लगती है. तो इसी तरह से जब हमारी स्किन जो है वो रेडी हो जाएगी उस मेकअप को, उस बेस को हैंडल करने के लिए, तो उसके बाद फिर आई शेड भी आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्ट्यूरिंग करने में मजा आएगा, आपको ब्लशर लगाने में मजा आएगा, सब चीजें आप इंजॉय करेंगे, उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा. तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बताऊं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया था ये मेकअप सब लगाने से पहले, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी कर लीजिएगा. मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर मेरी कोई वीडियो मिस करे. और साथ साथ मुझे गजल सिद्धिक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा. अब चलिए शुरू करते हैं जल्दी से. पहले तो मैं बाल बांध दूँ अपने ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं क्या करने जा रही हूं. ओके, तो ये मैंने बाल अपने बांध लिए हैं और इस तरह से जो है ना, ये छोटा सा बेल्ट है टॉवल टाइप का, तो वो मैं अपने बाल सिक्योर कर लेती हूँ कि वो मुंह पर ना आए. और समटाइम्स ये होता है ना कि बाल हमारे पहले हम बना लेते हैं और उसके बाद हम मेकअप वेकअप करते हैं, मुंह धोते हैं, कुछ करते हैं, तो बाल सारे गीले हो जाते हैं, आगे से ख़राब हो जाते हैं. अब ये है कि ये सिक्योर हो गया. अब सबसे पहले कोई सी भी मसाजिंग क्रीम ले लें आप जो आपको सूट करती है. मैं क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बहुत यकीन रखती हूँ, तो मैं जो कोकोनट ऑयल है वो थोड़ा सा लेती हूँ हाथ पर और थोड़ा सा मैं पानी के साथ हल्का सा होकर के और मसाज करती हूँ. सबसे पहला स्टेप मेरा होता है मेकअप करने से पहले एक मिनट, मैं तो समटाइम्स एक दो मिनट, बड़ा मजा आता है मुझे मसाज करने में फेस को, वो करती हूँ. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो ये कि जो एक स्वेलिंग होती है ना फेस में, जो वाटर रिटेंशन हो जाता है हमारा नमक यानी सॉल्ट ज़्यादा खाने से, पानी कम पीने से, तो हमारे टॉक्सिन जो है वो बॉडी से निकलते नहीं है, तो वो वाटर रिटेंशन की वजह से हमारा फेस पफी पफीनेस और स्वेलिंग सा होता है. तो मसाज करने से वो फेस के जो फीचर्स हैं वो टोन डाउन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है जैसे नेचुरली कंटूरिंग जो है ना स्लाइटली एक हो जाती है उसे. और दूसरा ये होता है कि मसाज करने से स्किन टाइट होती है. आपको बहुत, अब जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेकअप करने से पहले अगर आप मसाज कर लें तो आपको मेकअप कितना अच्छा लगेगा उस पर. तो ये मसाज मैं हमेशा करती हूँ मेकअप करने से पहले एक मिनट का खाली, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो वो जल्दी से आप लेकर और अपने फेस पर जो है फिंगर की जो ये पोर्स हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होती है ये, इसे बहुत हल्के हल्के, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपको, हल्के हल्के से आपको राउंड सर्कुलर में इस तरह से मसाज करना है. क्योंकि हमारे जो फाइन लाइंस होती हैं हमारी आंखों के इर्द गिर्द, हमारे फॉरहेड पे फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, हमारे इस एरिया में पड़ती हैं, तो इसको इस तरह से आपको मसाज करना है एक मिनट तक. आपने अच्छी तरह से अपने फेस को, ये जॉ लाइन को भी इस तरह से करके, और आपने अच्छी तरह से मसाज किया, आपने अपने नेक को मसाज किया, तो दो फायदे हैं उस मसाज के. एक तो स्किन ग्लो करेगी, टाइट हो जाएगी स्किन, दूसरा ये कि जो भी डर्ट जो भी गंद होगा फेस से वो फिर साफ हो जाएगा. अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफिनेस है जो कि मसाज करने से
बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, तो मेरी जो अंडर आई डार्क सर्कल जो मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की थी उसको उसको मैं क्या करती हूँ कि उसके उस जो मैंने बनाना सिखाया था आपको जो भी सॉल्यूशन उसके अंदर मैं डिप करके अपने कॉटन के पैड्स जो हैं इस तरह के कॉटन पैड्स डिप करके और एक एक मीन्स के दो आप डिप कर लें उसको और प्लास्टिक के बैग में दो डालकर उसको फ्रीजर में रख दें। तो जब कभी आपको लगता है कि पफिनेस हो रही है या आपकी आंखें दुख रही हैं या आपको थोड़े रिलैक्सेशन के लिए चाहिए तो आप फौरन से फ्रीजर से आप उसको फ्रीज कर सकते हैं और जब आप चाहें उसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे निकालें और ठंडे ठंडे आंखों पर रखें और बस। तो उससे भी काफ़ी आपके ये जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी आपके रिमूव होंगे, आंखों की पफिनेस भी कम होगी और आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। जब कर लेती हूँ एक मिनट का मसाज तो मैं कॉटन का जो पैड्स होते हैं उस पर मैं थोड़ा सा इस तरह के, ये देखिए मेरे पास ये बहुत सारे होते हैं क्योंकि मैं स्किन को क्लींस बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, तो इस तरह का कोई लेकर हल्का सा उसको गीला करके अच्छी तरह से जो भी मेकअप रिमेनिंग कोई डस्ट हो कुछ हो जो भी होता है फेस में हमारे तो वो पोर्स क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं किसी भी फेस वॉश से, जैसे मैंने आपको बताया मैं इसलिए नाम नहीं लेती हूँ कि कहीं आप ये ना समझें कि हर चीज़ की एडवर्टीजमेंट मैं कर रही हूँ ऐसा, तो इस वजह से मैं नाम नहीं बताती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट्स आए कि आप प्लीज़ बताया करें तो बता देती हूँ। ये इस वक्त जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गार्नियर का, माइल्ड सा है ये फॉर्मिंग क्लिनजिंग जेल और ये नॉर्मल स्किन के लिए क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है। तो कोई सा भी क्लिनजर आप लेकर फेस वॉश उससे आप फेस धो लें अच्छी तरह से। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश मिलते हैं, किसी भी कंपनी का माइल्ड सा ले लीजिएगा या अपने स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश लेकर हाथ पर थोड़ा सा उसे निकालकर पानी से गीला कर लें हाथ को, जरा झाग बनाकर फिर अपना फेस वॉश कीजिएगा, लेकिन ख्याल रहे कि रगड़ना नहीं है फेस को और स्पेशली अपनी आई लैशेस जो हमारी पलकें हैं उनको बिल्कुल नहीं रगड़ना होता है, वो उस वजह से बहुत झड़ती भी हैं। तो फेस को अच्छी तरह से आप वॉश कर लें पानी से, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं यूज करना वरना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और टिश्यू पेपर से वाइप कीजिएगा ताकि आपको कोई दानों का खतरा ना हो एक्ने का। तीसरा स्टेप होता है मेरा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए मैं नेचुरल अपना एक्सफोलिएटर बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और जिसमें ये चावलों को मैंने घर में पीस लिया है, बहुत ही बारीक सा पीस लें आप से, और एक टीस्पून ये चावल लिए हैं मैंने पिसे हुए, एक टीस्पून मैंने शुगर ली है, ये सफ़ेद चीनी मैं खाने के लिए कभी यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन फेस के लिए कर रही हूँ, और ये एक टीस्पून दूध है और इसमें चंद हम कतरे डालेंगे लीमू के, यानी कि लेमन जूस थोड़ा सा डालेंगे। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लें और ये इतना माइल्ड स्क्रब है, ये सारी स्किन टाइप के लिए है, ये इवन आप रोज भी यूज़ कर सकती हैं ये स्क्रब, इतना अच्छा और इतना माइल्ड है, और ये बहुत ही लीमू इसमें हम डाल रहे हैं स्किन को बहुत ही क्लीन करेगा, साफ सुथरा और डेड सेल्स जो हैं हमारे स्किन के वो भी रिमूव करेगा और एक स्किन पॉलिश का काम देगा। और सबसे पहले ये स्क्रब जो है मैं अपने इसे लिप्स पर लगाऊंगी क्योंकि हम हमेशा लिप्स को इग्नोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जब लिपस्टिक लगाते हैं तो वो फटे फटे से लिप्स लगते हैं हमारे। और इसके बाद आप इस तरह से सर्कुलर मोशंस में अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के जो टिप्स होते हैं जो पोर्स वो बहुत सॉफ्ट होते हैं उससे बहुत हल्के हल्के प्रेशर नहीं देना है, और अपने नेक पर जरूर कीजिएगा, हम नेक पर को भी इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से जब हम मेकअप करते हैं तो नेक और फेस में बहुत फर्क लगता है। इससे आपके नोज के इर्द गिर्द जो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स जो पड़ते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, और इसके बाद फिर आप फेस वॉश कर लें और टिश्यू पेपर से वाइप कर लें। एक्सफोलिएशन से क्या होता है कि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं क्योंकि हम क्लीन कर रहे होते हैं उनको, तो उनको बंद करना बहुत जरूरी है ताकि वो इवन लगे, बिल्कुल बम्पी बम्पी सी स्किन ना लगे, खुरदरी सी स्किन ना हो जाए। तो उसके लिए मैं फेस पर थोड़ी सी आइस लगाती हूँ, गले पर, फेस पर, पूरी जगह पर, ताकि वो पोर्स सारे बंद हो जाए। अब पूरी फेस पर मैं बर्फ लगा रही हूँ और पूरे फेस के साथ नेक पर जरूर लगाइएगा, नेक को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, और फिर से टिश्यू पेपर से वाइप कर लें। जब वो पोर्स बंद हो जाते हैं उसके बाद मैं ये रोज वाटर का स्प्रे पूरे फेस पर, मिस्ट जो होता है वो करती हूँ, तो मेकअप के बाद ही कर सकते हैं आप, तो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये स्प्रे करती हूँ मैं, फिर ये स्प्रे लगाने के बाद मैं कोई सा भी आप
मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर को अगर अवॉइड करना चाहें फाउंडेशन लेकर, और फाउंडेशन में मैं अपना सनस्क्रीन मिक्स करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन में अगर आप मॉइस्चराइजर मिक्स कर लेंगे तो वो बीबी क्रीम टाइप का बन जाता है, मीन्स कि आपको आराम से फैल जाएगा स्किन पर, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हैवी हैवी नहीं लगेगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और अगर फाउंडेशन से पहले प्राइमर भी लगाया जाता है, लेकिन मैं बहुत इजी स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ कि जब प्राइमर तब लगाया जाता है जब आपके पोर्स फेस जो ना वो जरा खुरदरा सा होता है, बम्पी होता है, तो उसको इवन करने के लिए प्राइमर लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएं। लेकिन यकीन करें, अगर आप ये मेरे चार पांच जो स्टेप्स मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जब आपने फाउंडेशन लगा ली, उसके बाद आप अपना आराम से मेकअप करें, जो भी करें। तो ये जीरो न्यूड मेकअप जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं शेयर करूं कि मेकअप, किसी भी मेकअप से पहले अपने स्किन को रेडी कैसे किया जाए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के जरिए। मैं कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ साथ मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आपके YouTube के कमेंट्स को रिप्लाई किया है, जो मेरे पर्सनल कमेंट सवाल आप मुझसे पूछते हैं ना, उनको मैंने रिप्लाई किया है। तो बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजें जानना आपके लिए, तो रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स जरूर देखिएगा।